नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता अनुप शर्मा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू हो गई है। खबर है कि मुंबई पुलिस ने 22 जून तक शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया है। उनके खिलाफ करीब 3 मामले दर्ज किए गए हैं। खास बात यह है कि शर्मा पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के चलते विवादों में घिरी हुई है। भाजपा ने भी उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। इस समय देश में शिवलिंग और पैगंबर मोहम्मद का मुद्दा छाया हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक हर तरफ इन्हीं बातों पर चर्चा हो रही है। इस बीच दिल्ली भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दिल्ली पुलिस से एक फोटो की शिकायत कर दी है। ये सब तब हुआ जब हाल ही में एक पार्टी के नेता ने कुछ ऐसा ट्विटर पर लिख दिया जिसे देखकर बग्गा भड़क गए थे। राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक चर्चित और काफी पुरानी परंपरा रही है। इस परंपरा के तहत पीले चावल बांटकर लोगों को और रिश्तेदारों को शादी में आने के लिए निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन अब उस पुरानी परंपरा का उपयोग बदल चुका है क्योंकि अब ज्यादातर शादियों में पीले चावल नहीं बल्कि आकर्षण कार्ड बांटकर आमंत्रण दिया जाता है। अब पीले चावल बांटने की परंपरा का उपयोग शादी विवाह में निमंत्रण देने के लिए नहीं बल्कि आंदोलन में आने के लिए निमंत्रित किया जा रहा है। रामानंद सागर की कालजयी टीवी रचना रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल अक्सर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। वो लगातार कुछ न कुछ पोस्ट जरूर करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करते हुए बताया है कि उन्होंने नई मर्सिडीज कार ली है। इसके बाद तो फिर यूजर ने मजेदार रिएक्शन दिए। कुछ ने तो ये तक लिखा कि प्रभु का पुष्पक विमान आ गया है। पैरासिटामोल समेत कई आम दवाएं खरीदने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। सरकार ऐसी 16 दवाओं को आसानी से बिक्री की मंजूरी देने की तैयारी कर रही है जो बगैर डॉक्टर के पर्चे के भी खरीदी जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि कोरोना वायरस महामारी के दौर में पैरासिटामोल के बड़े स्तर पर इस्तेमाल की खबरें आई थी। मानसून की गति अरब सागर के पास कमजोर पड़ गई है। इस तरह इसके देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने में 6 दिन की देरी भी हो चुकी है। मानसून के कमजोर होने के साथ ही देश भर में इस सीजन में बारिश में 38% की कमी आई है। मौसम विज्ञान के एक अधिकारी ने कहा है कि सेंट्रल इंडिया में इस बार मानसून का पैटर्न बदला हुआ नजर आ रहा है। एंटी साइक्लोन की मौजूदगी मानसून को लेकर के अच्छा संकेत नहीं है। अरब सागर के पास इसकी गति कमजोर पड़ चुकी है। दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र में सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। वंदे भारत ट्रेन का परिचालन दिल्ली और पुणे के बीच किया जाएगा। फिलहाल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन केवल 2 रूट दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से कटरा रूट पर चल रही। हालांकि ये ट्रेन मुंबई पुणे रूट पर कब से चलेगी इस बारे में रेल मंत्रालय ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त से ट्रेन परिचालन की योजना है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत की सैन्य शक्ति और बढ़ने वाली है। ये परमाणु शक्ति संपन्न मिसाइल 4000 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकती है। ओडिशा के तट पर मिसाइल का परीक्षण किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ट्रेनिंग लॉन्च के तहत मिसाइल का परीक्षण किया गया। हाल ही में फिल्म निर्माता करण जौहर के जन्मदिन की पार्टी में शामिल कई लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सोमवार को कहा कि करण जौहर के जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुए कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि करण जौहर की पार्टी में लोग ओमिक्रॉन के वेरियंट B5 और B6 से संक्रमित हुए हैं जो तेजी से फैल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी के बाद कतर, कुवैत और ईरान सहित कई खाड़ी देशों में कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। खाड़ी देशों ने रविवार को कहा है कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता की विवादित टिप्पणियों को लेकर यहां भारतीय राजदूत को तलब किया। देश में कई स्थानों पर बुलेट ट्रेन प्रस्तावित है लेकिन अब तक रेलवे की तरफ से इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं आई है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 2026 में गुजरात के सूरत और बिलीमोरा के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा क्योंकि इस दिशा में अच्छी प्रगति हो रही है। वैष्णव सरकार की महत्वाकांक्षी अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए सूरत में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सिक्कों की एक नई सीरीज जारी की जो दृष्टिहीनों के लिहाज से भी बनाई गई है। ये सिक्के 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के हैं और इस पर आजादी के अमृत महोत्सव का डिजाइन बना है। ये विशेष रूप से जारी किए गए सिक्के नहीं है बल्कि आम चलन में बने रहेंगे। कैंसर के इलाज के दौरान सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं जिसका असर पूरी जिंदगी तक बना रहता है। साइड इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि कीमोथेरेपी ट्यूमर के साथ साथ स्वस्थ कोशिकाओं पर भी हमला करती है। कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने और उन पर हमला करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करने वाली इम्यूनोथेरेपी में साइड इफेक्ट का खतरा भी बना रहता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कार्यकाल में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में 70% की कमी आई है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करने के बाद शाह ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि पूर्वोत्तर के 66% से अधिक क्षेत्र से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम हटा लिया गया है।
भारत की थोक मुद्रास्फीति एक वर्ष से अधिक समय में दोहरे अंकों में है। अप्रैल में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के रूप में मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा से 2% अधिक थी। सोमवार को मुंबई में शुरू हुई 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक बुधवार को समाप्त होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि नियामकों और अन्य संस्थाओं को डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को समझने में अधिक उन्नत और वक्त से आगे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है। वित्त और कॉरपोरेट मामले के मंत्रालयों के प्रभारी सीतारमण ने डिजिटलीकरण के संदर्भ में सुरक्षा तंत्र की जरूरत पर भी जोर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को पंजाब के मानसा जिले में दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के घर गए और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। एक पार्टी नेता ने बताया कि मंगलवार सुबह चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर उतरने के बाद राहुल सीधे मूसेवाला के पैतृक गांव मूसा पहुंचे और उनके परिवार के साथ लगभग 50 मिनट का समय गुजारा। उन्होंने मूसेवाला को पुष्पांजलि भी अर्पित की। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में पारदर्शिता लाने और कार्डधारकों के अधिकारों की रक्षा के लिए RBI लगातार कार्ड जारी करने वाले बैंकों पर नए नियम लागू कर रहे हैं। कुछ नए बदलाव 1 जून से लागू हुए नई गाइडलाइन में कार्डधारकों के लिए नए नियम बनाए गए हैं। साथ ही क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों और NBFC के लिए कुछ जिम्मेदारियां तय की गई है। RBI की गाइडलाइन में क्रेडिट कार्ड से जुड़ी खामियों के लिए बैंकों को जवाबदेह बनाया गया है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 3,714 नए मामले सामने आने से देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,31,85,049 पर पहुंच गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 26,976 पर पहुंच गई है, जो कुल मामलों का 0.06% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 7 और लोगों की जान जाने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,24,708 हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह राष्ट्रीय राजधानी में आज राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे, जो आदिवासी जीवन शैली के सामाजिक आर्थिक पहलुओं में सुधार के लिए अध्ययन और कार्यक्रम तैयार करेगा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बताया है कि NTIR राष्ट्रीय स्तर का प्रमुख संस्थान होगा और शैक्षणिक, कार्यकारी और विधायी क्षेत्रों में जनजातीय चिंताओं, मुद्दों और मामलों का मुख्य केंद्र होगा। अपने दिवंगत पिता द्वारा छोड़े गए बकाया कर्ज की अदायगी के लिए ऋण एजेंटों द्वारा परेशान एक किशोरी कोविड अनाथ की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हस्तक्षेप किया और अधिकारियों से मामले को उठाने के लिए कहा है। वित्त मंत्री ने वित्तीय सेवा विभाग और जीवन बीमा निगम से मामले की जांच करने को कहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि 2026 में गुजरात के सूरत और बिलिमोरा के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, क्योंकि इस दिशा में अच्छी प्रगति हो रही है। वैष्णव सरकार की महत्वाकांक्षी अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए सूरत में थे। भारतीय क्रिकेट के बड़े बड़े सितारे घरेलू क्रिकेट में अपना दम दिखाने के बाद ही विश्व क्रिकेट पर छाए हैं। रणजी ट्रॉफी को किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। इस वक्त रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट यानी कि क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। मुंबई और उत्तराखंड के बीच खेले जा रहे मुकाबले में मुंबई के सुवेद पारकर ने डेब्यू पर धमाल पारी खेली है। पहले ही मैच में इस बल्लेबाज ने दोहरा शतक जड़ डाला। मुंडका अग्निकांड में 27 लोगों की जान जाने के मामले में फोरेंसिक लैब को भेजे गए नमूने में 8 शवों की पहचान कर ली गई है। घटना के बाद से लापता लोगों के स्वजन की निगाह रोहिणी स्थित फोरेंसिक लैब पर टिकी हुई है। फोरेंसिक साइंस एंड लैबोरेटरी टीम ने नमूनों का DNA प्रोफाइल बनाने के बाद 8 शवों की पहचान कर दी है। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के कलेक्शंस को लेकर अच्छी खबर नहीं आई है। ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार सम्राट पृथ्वीराज की कमाई में पहले सोमवार को भारी गिरावट दर्ज की गई, जो फिल्म की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वर्किंग वीक में फिल्मों के कलेक्शंस गिरते हैं, मगर ज्यादा गिरावट आगे के सफर को मुश्किल कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जनसमर्थ पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें सरकारी स्कीम के तहत लोन लेना आसान हो जाएगा। इस पोर्टल से 13 सरकारी स्कीम के तहत लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। फिलहाल 4 श्रेणी के लोन के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी। इनमें शिक्षा, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार, शुरुआत और जीवन यापन लोन शामिल है। लोन के आवेदन से लेकर उसकी मंजूरी तक सब काम जन समर्थ पोर्टल से ऑनलाइन होगा। जिन किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने की गारंटी के लिए साल भर धरना दिया है, वही आज अपनी उपज सरकारी एजेंसियों को ना बेचकर MSP से ऊंची कीमत पर निजी कारोबारियों को बेच रहे हैं। गेहूं ही नहीं, सरसों, कपास, चना की बिक्री ही समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अनाज की बिक्री के लिए पंजीकरण के बावजूद किसान अपनी उपज लेकर सरकारी खरीद केंद्रों पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि व्यापारी खुद उन तक जा रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद पश्चिमी देश की तरफ से बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि नए वैश्विक हालात में भारत अमेरिका की तरफ होगा या चीन रूस की तरफ। शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वयं इस सवाल का साफ साफ जवाब दिया, और वो भी वैश्विक मंच पर। जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि भारत किसी भी धुरी में शामिल नहीं होगा, क्योंकि भारत स्वयं एक ताकतवर देश और बड़ी आर्थिक शक्ति है।
भाजपा नेताओं की पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर कई मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के एक प्रवक्ता ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता को दृढ़ता से प्रोत्साहित करता है। पाकिस्तान के एक पत्रकार द्वारा भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और पार्टी की दिल्ली इकाई के पूर्व मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल की टिप्पणियों को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने ये बातें कही। दक्षिण कोरिया के पश्चिमी तट पर दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी सेना के 20 फाइटर जेट ने मंगलवार को चक्कर लगाए। इन फाइटर जेट को उड़ाने के पीछे का असल मकसद है उत्तर कोरिया की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया होती है तो इसके लिए जवाबी कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा है कि हवाई प्रदर्शन में 16 दक्षिण कोरियाई प्लेन शामिल है जिसमें F-35A स्टील्थ फाइटर और 4 अमेरिकी F-16 फाइटर जेट थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू कुमार, सुमन सौरभ, शम्स आगाज, सोनम कुमारी, सिद्धार्थ कुमार, रमेश पांडे, जयप्रकाश, जितेंद्र कुमार, प्रद्युमन कुमार, अंकित कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश की सुरक्षा में केंद्र सरकार की पहल से आप संतुष्ट हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।